भरत जिनके नाम पर हमारा देश है, जिनके नाम पर हमारा देश है, वो भी एक अप्सरा की पैदावार थे। एक राजा से अप्सरा की शादी हुई थी, ये उनसे पैदावार थे। और अप्सरा की जो हिंदूवादी साइड से जो विशेषताएं, जरा उसको सुन लीजिए। अप्सरा कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, वो हमेशा यंग रहती हैं, खूबसूरत होती हैं और बहुत चार्मिंग होती हैं। वो हमेशा वो वर्जिन रहती हैं, यानी वो कितना भी शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो वर्जिन रहती हैं। कहना चाहता हूँ, इस्लाम में तीन चीजें बहुत अहम है। कुरान, जो चीज कुरान में नहीं है या उसके बारे में कोई खुलासा होना है, कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट जो थे, जो अमल करते थे, उसको सुन्नत कहते हैं। तो अगर कुरान कोई चीज इस पर चुप है या खामोश है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्रॉफिट के जो सुन्नत है उनका किया हुआ है उसको मान लेंगे। अगर इन दोनों में भी नहीं है, तो प्रॉफिट ने जो कहा है उसको कहते हैं हदीस, सुना हुआ, बोला गया, तो आप उसको मान लेंगे। अच्छा, अब कई बार ये आरएसएस के जो लफंगे हैं या उनके जो हमदर्द हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कुरान में तो नहीं है, ये हदीस है। हदीस भी कोई नहीं है, हदीस भी कोई नहीं है। और हदीस कोई है तो ये आरएसएस की शाखा के अंदर ही बनी है। 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं नहीं है, किसी जगह पर भी नहीं है कि 72 हूरें होंगी। 72 हूरें और ये जो एटर्नल जीव का, कि एटर्नल जीव में जिस तरह से यहूदियों को पेश किया गया और इसमें जो मुसलमानों को पेश किया गया, बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक भावना, एक एक चीज एक जैसी है। इसमें वहां यहूदियों को बताया गया कि ये अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। इन तीनों फिल्मों का भी यह है कि मुसलमान असभ्य होते हैं। कश्मीर फाइल्स, उसके बाद केरला स्टोरी, और अब 72 हूरे फिल्म है या राजनीति, यह समीक्षा स्पेशल ये वीडियो है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। अभी अभी हाल में आई है 72 हूरे चर्चा का विषय, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ और ऐसी फिल्म आए। क्या यह एक प्रेरित, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फिल्म बनाई जा रही? क्या इसकी कथा, क्या कंटेंट है और किस दृष्टिकोण से बनाई जा रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। शमसुल इस्लाम साहब हैं और इसी विषय पर आज चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है सर। जय भीम जी। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद सर। असल में एक ऐसा मसला है ये कि पूरा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, ये सोच कर के हिंदुत्ववादी जो शासक हैं वो आखिर इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं। देखिए, एक बहुत बुनियादी सवाल है कि जो हमारे देश के दुश्मन हैं, और ये मोदी जी के हिसाब से और उनका जो पूरा गिरोह है उसके हिसाब से पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ हैं ना, और वो क्या चाहते हैं कि अंदर से ऐसे हालात पैदा हों कि ये देश टूट जाए। तो इसको करने का तो सारा काम आरएसएस से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, बाहर से किसी की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ज़रा सा कि क्या हो रहा है, यानी आपने केरला स्टोरी की बात हुई, कश्मीर फाइल्स की बात हुई। कश्मीर फाइल्स का तो जो ज्यूरी का चीफ था उसी ने कह दिया ये बकवास है, और कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, और उन्होंने बाकायदा बयान दिया, और वो एक इजरायली थे, उसके बावजूद उन्होंने किया। केरला स्टोरी के बारे में आप जानते हैं कि वो कितने 600 औरतों से शुरू हुआ था कि मुसलमान औरतें चली गई, फिर 60 पे आया, फिर पता लगा कि एक है और एक का भी पूरा नहीं है। यानी 14% जो लोग हैं इस देश के अंदर मुसलमान, यानी उसका मतलब ये हो गया कि लगभग 20 करोड़ मुसलमानों में से एक मिला बंदा, एक बंदी मिली जिसको वो मिल गए, वो जो उसको ले जाना चाहते थे, वो आया ईसाई के पास। और इतना ही नहीं डॉक्टर रतनलाल, आप ये लोग किस तरह से, आदि पुरुष भी हमको लगता है कि उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, ये सब नहीं है, लेकिन आदि पुरुष के अंदर भी आप ये देखेंगे कि उसमें जो रावण का कैरेक्टर है उसके लिए एक मुसलमान एक्टर तो उन्होंने ढूंढा ही, लेकिन उस मुसलमान एक्टर को उन्होंने एक मुगल राजा के तौर पर पेश किया। यानी रावण को जो है उन्होंने
वो आज के जमाने का कोई मुसलमान एक बनाकर उसको रखा। और आप ये जानते हैं कि ये जो इसका आदि पुरुष का जो लिखने वाला है और जिसने डायलॉग्स लिखे, आज ही उसका बयान आया है कि वो माफी चाहता है, लेकिन उसने कहा कि हम सब सनातन धर्म वालों को और हनुमान जी को पूजने वालों को एक हो जाना चाहिए। यानी वो ये कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन सनातन धर्म को सबको एक हो जाना चाहिए। तो ये आदि पुरुष का भी मतलब क्या है वो हमारी समझ में आता है। तो ये 72 हुरे क्या है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। और इसकी कहां पहले स्क्रीनिंग हुई डॉक्टर नंदलाल, उसको भी समझना जरूरी है। 5 तारीख को हुई, 5 तारीख को जेएनयू में हुई, और जेएनयू में बहुत बड़ा हॉल उसको दे दिया जेएनयू प्रशासन ने। मतलब हम लोग वहां अपनी बात रखने जाते हैं, दूसरे इंटेलेक्चुअल दूसरे एक्टिविस्ट वहां जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। वो हम लोग 10 बजे के बाद मेस जो है वहाँ खाने की जो जगह है वहां पर करने की इजाजत होती थी। मैं कम से कम 25-30 साल से जाता हूँ उस सिलसिले में, लेकिन वो सब बंद हो गया है। अब आपने कहीं बाहर किसी जगह बैठकर पार्क के अंदर करना पड़ता है, लेकिन इनको वो सारा एयर कंडीशन हाल दे दिया गया। और इस फिल्म के शुरू की बात ये थी कि जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगे, और फिल्म के बाद में भी बहुत जबरदस्त, जैसे ये जो है कोई ये नारा आप जानते हैं कि ये हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनका हमला करने का और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का और माइनॉरिटीज पर हमला करने का और दलितों पर हमला करने का उनका ये अब एक नारा है, ये एक जंगी नारा है उनका। हालांकि अब वो एक बड़ा बड़ा एहसान करने लगे इस देश के साथ कि वो भारत जय हिंद का भी नारा लगाते हैं, शायद जय हिंद का भी नारा लगाते हैं। यानी जय हिंद का ये नारा उन्होंने ले लिया हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, जिनके खिलाफ इनका जो बाप है, इनका जो हिंदुत्व का गुरु है सावरकर, उसने 100 अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती कैंप चलाए थे नेताजी की सेना के खिलाफ, अंग्रेजों में भर्ती कराई थी। खैर वो अलग मसला है, उस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो एक बात ये समझ लें कि ये फिल्मों के जरिए क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका तो बजरंग दल है, इनके साथ बहुत सारे राज्यों की पुलिस है, इनके साथ IAS IPS अफसर हैं, ये फिल्मों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका जो मुझे एक समझ में आता है पॉलिटिकल साइंस और भारतीय राजनीति के एक रिसर्चर के तौर पर, कि मुसलमान 14% हैं, उनको चप्पे चप्पे पर रहते हैं, देश के कोने कोने में रहते हैं, तो इस देश के आम हिंदुओं को उनके खिलाफ जहर, उनके दिमागों में जहर भरकर चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के खात्मा करने के लिए करना होगा। क्योंकि ये इनके जो आतंकवादी संगठन है बजरंग दल, हिंदू विश्व हिंदू परिषद या ABP दूसरे जो, उनके बस के बाहर है इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम करना, तो ये आम लोगों को, आम हिंदुओं को उसके लिए ये वर्गला रहे हैं, उसके लिए वो जहर भर रहे हैं। और इसको, इस काम को यहूदियों के खात्मा करने से पहले, सफाया करने से पहले हिटलर ने और मुसोलिनी ने बहुत जबरदस्त इसका इस्तेमाल किया था। उस वक्त रेडियो बहुत चलता था, तो रेडियो के अंदर जो तकरीरें थी, जो भाषण थी, जो नारे थे, मोदी जी का जो महीने में एक बार संबोधन करते हैं वो हिटलर से ही लिया गया है। तो वो लगातार यहूदियों के खिलाफ जो किया जाता था, और कार्टून्स बनाए जाते थे, कार्टून्स। और उसके बाद एक बहुत भयानक फिल्म बनाई गई थी, दी एटर्नल ज्यू, शाश्वत यहूदी। और आप ये जो फिल्में हैं, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, 72 हुरे और ये जो एटर्नल ज्यू का, कि एटर्नल जीव में जिस तरह से यहूदियों को पेश किया गया और इसमें जो मुसलमानों को पेश किया गया, बिल्कुल एक एक शब्द, एक एक भावना, एक एक चीज एक जैसी है। इसमें वहां यहूदियों को बताया गया कि ये अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। इन तीनों फिल्मों का भी यह है कि मुसलमान असभ्य होते हैं। उसके बाद यह है कि ये अमानुष होते हैं, बारबेरियन होते हैं, ज्यूज बारबेरियन होते हैं, मुसलमान बारबेरियन होते हैं यहाँ पर। और ये औरतों को फंसा लेते हैं, यानी वहां ज्यूज बेचारे, वो वहां
आर्यन औरतों को फंसा लेते थे, यानी आर्यन औरत इतनी बेवकूफ इतनी कमजोर होती थी कि वो यहूदी से फंस जाती थी। तो यहाँ पर भी लव जिहाद मुसलमानों का जो है, इन फिल्मों का ही कहना है, कोई लव जिहाद में फंसा के कोई ISI में ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है। ठीक है जी, 72 हूरे, 72 हूरों के लिए वो जो है वो आतंकवादी बन जाते हैं। उसके बाद ये अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करता है यहूदी, शायद जर्मनी में तो करते थे, भारत में तो सबसे नीचे पायदान पर है। और ये अपराधी होते हैं, मुसलमान अपराधी होते हैं, ये उस जीव्स की फिल्म का था और यहां पर भी सारा का सारा ये है। और बहुत बहुत खतरनाक बात इसके अंदर जो है कि अभी अभी मैं देख रहा था कि ये आदि पुरुष के ऊपर हमारे हिंदुत्व को बहुत प्यार करने वाले शायद ये दो जज हैं, माफ कीजिएगा मुझे, मैं जो है जो उनका सुना है, जो मैंने फैसला पढ़ा है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के या लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच है, उन्होंने कहा कि यही बात अगर किसी मुसलमान के खिलाफ की गई होती तो आज क्या कर दिया गया होता, लेकिन ये फिल्म आदि पुरुष हिंदुओं की बेइज्जती कर रही है, हिंदू बड़े शांत होते हैं। लेकिन मैं उन दोनों जजिस को बताना चाहता हूं कि इसमें इस्लाम के बारे में जो कहा गया है वो इतना भयानक और शर्मनाक है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान जो है उनकी साजिश में और दंगा करने पर नहीं निकल रहे हैं, नहीं बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल और आपके माध्यम से मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं नहीं है, किसी जगह पर भी नहीं है कि 72 हूरें होंगी। कुरान के अंदर इस बात का जरूर जिक्र है कि जब आप अच्छे काम करने के लिए जन्नत में जाएंगे तो वहां आपको हूरें मिलेंगी, वो आपको लड़के और लड़कियां दोनों मिलेंगी, यानी उसका मतलब यह है कि औरतों को लड़के सेवा के लिए मिलेंगे और ये हुरे जो है मर्दों को सेवा के लिए मिलेंगे। लेकिन आप खुदा के नाम पर अल्लाह के नाम पर किसी को मारेंगे तो उसके लिए आपको हुरे मिलेंगी ये झूठ है। और बदकिस्मती से जो तमाम सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, उनमें से कोई भी कोर्ट नहीं गया है, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है कि ये कुरान के बारे में जो कहा जा रहा है बिल्कुल झूठ है। देखिए आप किस तरह से RSS की शाखाओं में, RSS के जो बौद्धिक शिविर है उसके अंदर कैसे एक कुरान के बारे में एक उन्होंने एक कर दिया गया, एक एक चीज उन्होंने कर दी, एक एक चीज को इसको इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया उन्होंने। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि आप कुरान के किसी भी भाग के अंदर ये बताइए। अच्छा एक चीज और समझ लें जरा इस्लाम के बारे में। देखिए मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूं, मेरा नाम शमसुल इस्लाम है और उस पर मेरा कोई चॉइस नहीं था कि मैं कहां पैदा होऊंगा, कैसे पैदा होऊंगा। और मैं सच तो यह है कि मैं इंसानियत में यकीन रखता हूं, मैं किसी भी धर्म के अंदर यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन मैं रिसर्चर हूं धर्मों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस्लाम में तीन चीजें बहुत अहम है, कुरान, जो चीज कुरान में नहीं है या उसके बारे में कोई खुलासा होना है कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट जो थे जो अमल करते थे उसको सुन्नत कहते हैं। तो अगर कुरान कोई चीज इस पर चुप है या खामोश है या कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रॉफिट के जो सुन्नत है उनका किया हुआ है उसको मान लेंगे। अगर इन दोनों में भी नहीं है तो प्रॉफिट ने जो कहा है उसको कहते हैं हदीस, सुना हुआ बोला गया, तो आप उसको मान लेंगे। अच्छा अब कई बार ये RSS के जो लफंगे हैं या उनके जो हमदर्द हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये कुरान में तो नहीं है, ये हदीस है। हदीस भी कोई नहीं है, हदीस भी कोई नहीं है, और हदीस कोई है तो ये RSS की शाखा के अंदर ही बनी है। ये RSS का जो उनके इंटेलेक्चुअल शिविर है उसके अंदर ये बनी है। अच्छा अब जरा सा हम ये आदि हूरों को एक तरफ रख दें, और मैं अभी आपके सामने, मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके सामने सच्चाइयां उन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो सच्चाइयों के जो थैले हैं वो आपके सामने जो उंडेलने जा रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये सारे हिंदू धर्म की जो साइट्स हैं उससे लेकर मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बहुत कई बार बता चुका हूं कि मैं जो बात करता हूं, मान लीजिए मैं RSS की बात करूंगा तो RSS का विरोधी RSS के खिलाफ जो है उनका दस्तावेज नहीं लेता हूं, मैं RSS का दस्तावेज लेता हूं। ये हूरों को लेकर, हूरों का मतलब होगा अप्सरा, खूबसूरत औरतें,
ये जो अप्सराओं का जो है, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक साइट है जी, www.hinduism facts, और दूसरा है जनाब एक्सोटिक इंडिया आर्ट। इन दोनों से जो आप जानेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जो ब्राह्मणिकल किताबें हैं उसमें ऋग्वेद में मंडल यानी बुक नंबर 10, सूक्त नंबर 123:5, ऋग्वेद में ही 9:78-3, ऋग्वेद में ही 10:103-4, ऋग्वेद में अथर्वेद के अंदर 2:2-3, अथर्वेद के अंदर 4:33-3, और शतपथ ब्राह्मणा में कंडा 11:5, ब्राह्मणा 1, और अभी आगे भी आएगा इसके अंदर जो बताया गया, जरा उसको सुन लीजिए डॉक्टर रतन लाल जी। इसके हिसाब से क्या है कि ये जो होती हैं हूरे, यानी हिंदू धर्म की जो हूरे हैं, जो ब्राह्मणिज्म की जो हूरे हैं, वो कितनी हैं, ये उसका अंदाजा अगर आपको करना है, जो लिस्ट मौजूद है वो कम से कम जनाब वो हैं 17,000 हैं। और इनके मैं 2-3 दिन से जो लगा हुआ इनको जमा करने के लिए, 17,000 में इनमें से 198 जो नाम मैंने जमा किए हैं, वो तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये पढ़वा देता हूँ 198 नाम। कुछ है अद्रिका, अद्रिक ऋतशाली, अलम्बुसा, अंबिका, अन्यवद्या, अनुचना, अनुगा, अनुका, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है, ये देखिए इतनी बड़ी लिस्ट है, ये उससे पहले के पेज पर ये इतनी बड़ी लिस्ट है, और ये सारे के सारे मैंने हिंदू साइट से लिए, ये सारे के सारे हिंदू साइट से लिए। और ये हिंदू साइट्स क्या बता रही हैं, जो इनके साथ जुड़ी हुई कथाएं हैं, आप जानेंगे तो आपको कितना आप चंडू खाने की छोड़, अगर ये सच है तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि 72 हुरे तो कोई उसके सामने बेचती नहीं है, लेकिन अगर ये चंडू खाने का है तो उसकी जो कथाएं, जरा आप सुन लीजिए। पहली कथा है डॉक्टर रतन लाल, विश्वामित्र और मेनका की। विश्वामित्र तो हम सब जानते हैं, विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े सन्यासी ऋषि थे, ये असल में ऊपर स्वर्ग जाना चाहते थे लेकिन इनको इंदर आने नहीं देना चाहते थे, तो ये बड़ी तपस्या करते थे, और उन्होंने ऐसे रिचुअल करने के कि वो त्रिशंकु जाना चाहते थे, तो इंदर भगवान इनको आने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विश्वामित्र को भ्रमित करने के लिए, उसको पटाने के लिए, फंसाने के लिए, उन्होंने मेनका को भेज दिया, मेनका को जो स्वर्ग में रहती थी उनसे इंदर ने भेज दिया, और इन्होंने उनको फंसा दिया। और एक दिन क्या था, हवा तेज चली तो उनके नीचे के कपड़े उड़ गए, और उसको पता लग गया कि ये तो औरत है, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ हम बिस्तरी कर ली और वो अपनी तपस्या भूल गए, इंदर सफल हो गए। ठीक है, ये कथाएं भाईजान मैं सारी की सारी हिंदू साइड से बता रहा हूं आपको जी। उसके बाद दूसरा है सुंदा एंड उपासुंदा, ये दो राक्षस भाई थे, और इन्होंने गॉड के जो रिचुअल से उसमें ये बाधा डालते थे, तो लॉर्ड ब्रह्मा ने लॉर्ड ब्रह्मा ने इत्तेफाक से इनको कभी हमेशा जिंदा रहेंगे कह दिया गया, मरेंगे नहीं। तो सुनंदा और उपसुंदा जो थे, तो वो उन्होंने सारी सारी पृथ्वी को जीत लिया और सारे भगवानों को बाहर कर दिया, और लॉर्ड ब्रह्मा ने एक बहुत खूबसूरत अप्सरा पैदा की थी, तिलोत्तमा। ये तिलोत्तमा जो थी, इससे कहते हैं खूबसूरत कोई औरत नहीं थी, और ये इस औरत को फंसाने के लिए, इन दोनों भाइयों को फंसाने के लिए भेजा गया, और जब ये दोनों भाई शराब पिए हुए थे और दोनों इस औरत के साथ, इस औरत को फंसाना चाहते थे, बिस्तर पर ले जाना चाहते थे, तो उनको उनको ये लगा कि हम पहले करेंगे, और दोनों भाइयों में तितोलतमा पे लड़ाई हो गई और दोनों मर गए। यानी देखिए, एक अप्सरा भेजी गई दो राक्षसों को खत्म करने के लिए। उसके बाद रामभा का जो कर्स है उसके बारे में, वो गॉडेस सीता के लिए उसका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है
कि रांभा थी जिसको रावण ने रेप किया था, और उसके बाद वो किसी और को रेप नहीं करे ये श्राप दिया था रांभा, रांभा जो एक परी थी, देवी है, देती जी, परी। जी। उसके बाद उर्वशी, उर्वशी का जो अर्जुना के साथ है कि उर्वशी ने उनको शराब दे दिया कि तुम इनक बन जाओगे, तुम मर्द नहीं रहोगे, अब इनक आप आज उसको कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद कितनी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों जी, जरा एक दो और सुन लीजिए सर, एक एक ये सुन लीजिए कि ये दो भाई थे नारा नारायण, और ये लॉर्ड विष्णु की इनकार्नेशन था, इनसे भी इंद्र को बड़ा डर था, और इंद्र ने उर्वशी को उनके पीछे भी लगा दिया, और वो उनके पीछे लग गए ये, लेकिन ये जो दोनों भाई थे इनको पता लग गया, और उन्होंने इंद्र ने फिर उनसे माफी मांगा। एक और जो मजेदार बात मुझे पता लगी है कि जो भरत हैं, भरत जिनके नाम पर हमारा देश है, जिनके नाम पर हमारा देश है, वो भी एक अप्सरा की पैदावार थे, एक राजा से अप्सरा की शादी हुई थी, ये उनसे पैदावार थे। और अप्सरा की जो हिंदूवादी साइड से जो विशेषताएं जरा उसको सुन लीजिए, अप्सरा कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, वो हमेशा यंग रहती हैं, खूबसूरत होती हैं और बहुत चार्मिंग होती हैं, वो हमेशा वो वर्जिन रहती हैं, यानी वो कितना भी शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो वर्जिन रहती हैं, वो इंसान इंसान बनी रह सकती हैं, जानवर भी बन सकती हैं, वो लोगों को अपने जाल में फंसा सकती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। उनके भी अप्सरा के मरने का, किसी मरने का पुराणों में कोई जिक्र नहीं है, और ये अपनी जो इनको रखते हैं, जो जिनकी ये रखेल है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं, ये उड़ सकती हैं, और ये 64 तरीके से आपको रिझाने के तरीके जानती हैं। भाईजान, ये कोई प्रोग्रेसिव आदमी, ये कोई अंबेडकर वादी नहीं कह रहा है, ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये ब्रह्मनिकल जो साइट्स हैं ये वो बता रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये भी बता रहे हैं कि लॉर्ड हनुमान जो थे, उनके उनकी जो माँ थी वो अंजनी, वो भी एक अप्सरा थी जी। पुरुरवा जो हैं वो इनके इनके पति थे, और उनको भी फंसाने के लिए क्या क्या किया गया वो भी सबके अंदर जिक्र है जी। तो आपके सामने ये सारी चीजें हैं, 17,000 कम से कम अप्सरा हैं, और ये अप्सरा कभी मरी नहीं है, तो आज भी होंगी। और दूसरी बात छोड़िए, ये तो हो गई पुराणों की, वेदों की बात, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या केरल के हिंदुओं के बारे में गुलवलकर साहब ने, जो हिंदुत्व के सबसे प्रोमिनेंट आइडियोलॉग हैं, उन्होंने क्या कहा था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 17 सितंबर 1960 को वो गुजरात विद्यापीठ के अंदर सोशल साइंस डिपार्टमेंट अंदर भाषण कर रहे हैं वो जी। वो 62 हुरे और 72 हुरे, एक कितने हजार हुरे जो हैं वो तो सब आप छोड़ दीजिए, जरा सा सुन लीजिए। हालांकि हम इसको पहले भी एक दो बार कर चुके, लेकिन आज बहुत जरूरी है। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदर ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया, और एक नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए, और उसके बाद ही वे अपने पति से संतान उत्पत्ति कर सकती है। आज इस प्रयोग को विभाचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो कुरान की बात कर रहे हैं, जो कुरान में है नहीं, जो आपने फिल्म तो बना दी जी। तो ये फिल्म में क्या स्टोरी है, कहना क्या चाह रहे? कहना ही चाह रहे हैं कि वो 72 हूरों का कर करके मुसलमानों को आतंकवादी बना रहे हैं,
अच्छा, जन्नत मिलेगी। और वो जिहाद के लिए और शहीद होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही मोटा मोटी बात है। जी, और इनके जो गुरु हैं, जो इनके बाप, जिनको ये कहते हैं सावरकर, ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान मौलवियों का जिहाद था। उन्होंने अपनी किताब 1853 में, ये जिहाद था पटना के मुसलमान मौलवियों का, लखनऊ के मुसलमान मौलवियों का, दिल्ली के मुसलमान मौलवियों का, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, जिसमें सैकड़ों शहीद हुए, इनको ये वाला जिहाद याद आ रहा है। इनको इनको ये जिहाद जो है, असल में इन्होंने बनानी चाहिए फिल्म अप्सराओं पर, वो ब्लू फिल्म बहुत चलेंगी, वो ब्लू फिल्म बहुत चलेंगी, क्योंकि कुरान के अंदर तो जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल है नहीं। और सच्ची बात यह है कि धर्मों के बीच में झगड़ा कराने का इन पर मुकदमा चलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो लेना चाहिए। और मैं मुसलमान नाम के संगठनों को शर्म दिला रहा हूं, बहुत सारे ह्यूमन राइट संगठनों को शर्म दिला रहा हूं कि इस सब के ऊपर भी वो चुप बैठे हैं। वो चुप बैठे हैं जब बिल्कुल आप आरएसएस को और इन क्रिमिनल्स को, ये गुंडे जो फिल्म मेकर है, इनको आप बिल्कुल जेल भिजवा सकते हैं। हम उस पर चुप बैठे हैं, हम उस पर चुप बैठे हैं। हम गीता प्रेस को जब अवार्ड मिल रहा है जिसमें हिंदू औरत को पीटा जा सकता है, उसको सती होना है, उसने बलात्कार पे चुप रहना है, हम उसमें भी आरएसएस को नहीं घेर पा रहे हैं, हम चुप बैठे हैं। तो आरएसएस का जो ये लफंगों का पूरा जो जो इनका रथ दौड़ रहा है, वो रथ इसीलिए नहीं दौड़ रहा है कि वो उनके पास बहुत ताकत है। इसमें बात यह है कि हम जो है, हम बिल्कुल चुप बैठे हैं, जहां पर उनको हम पकड़ के बंद करा सकते हैं। भाई हम 1,000 जगह एफआईआर करें, ठीक है, नहीं लागू होगा, कुछ जगह तो कोर्ट में जाएगा मामला, ये पढ़ा जाएगा, ये अप्सराओं का पढ़ा जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से और यूजीसी से, अप्सरा का चैप्टर रखिए, अप्सराओं का चैप्टर, हमारी जो महान हिंदू सभ्यता है, हिंदुत्ववादी सभ्यता है, इसका चैप्टर पढ़वाइए ना। ठीक है सर, शुक्रिया सर। और जाहिर है, और इस पे चर्चा और जारी रहेगी। एक एक एजेंडा के तहत है, कम्युनिटी बिजनेस को टारगेट करने के लिए इस तरह की फिल्म आ रही है। चुनाव है, सबसे पहले वो है ना, एक इनका इंदौरी साहब का, सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, तब पता हाँ, कीजिए फिल्म कौन सी फिल्म आ रही है, इससे पता लग जाएगा कब है चुनाव। जी लेकिन मेरे प्यारे रतन भाई, वो वक्त बीत चुका, गंगा में बहुत पानी बह गया है। ये मुसलमान मुसलमान करते करते आप जो है, मुसलमान करते करते जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, मुसलमान करते करते जो मणिपुर में हो रहा है, आज भी 4 लोग मार दिए गए हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मिलिट्री वाले मारे जा रहे हैं, महंगाई की जो हालत हो रही है, ये मोदी का जो रामबाण है, ये मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये चला गया इस देश का। इस देश के जो भारत के ढांचे को बचाने वाले हैं, वो इस देश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, दलितों के साथ जो हो रहा है, उसकी लड़ाई के सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मोदी का थोड़े दिन चल रहा है। अगर आप गीता प्रेस पर सवाल उठा देते, कम से कम 100 जगह सारे देश के अंदर एफआईआर हो जाती, कोर्ट के अंदर चले जाते, तो आज मोदी को ये सब करने का मौका नहीं मिलता। आरएसएस को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती, हम कर नहीं पा रहे हैं वो, मेरे प्यारे दोस्त। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब हैं, 72 हुरों पे ये थी समीक्षा। वेदों में अप्सराओं की कहानियां आपने सुनी होगी और सब आप पढ़े भी होंगे, हमने भी पढ़ा है। वेदों में अप्सराओं का जिक्र जरूर है, और किस किस तरीके से ऋषि मुनि को ध्यान भटकाने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था। जी शुक्रिया, देखते रहिए, पटकना।